और पृथक का सब कार्यक्रम कल 15 अगस्त है, बहुत अच्छा लगेगा गाइज। हेलो गाइज, तो अभी देख रहे हैं हम अभी बरुराज थाना में है और बरुराज थाना का कार्यक्रम चल रहा है। कल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का 75वां दिवस है गाइज, और जो कि सभी लोग अच्छे से मनाने वाले हैं। तो गाइज यही अभी तैयारी सब चल रहा है, अब पूरा एकदम साफ सुथरा हो चुका है बरुराज थाना का। ये देखिए जो आपको बरुराज थाना का ग्राउंड दिखा रहे हैं चारों तरफ से, ये देखिए गाइज कितना अच्छा लग रहा है ग्राउंड, और पूरा अच्छे से साफ क्लीन हो चुका है। और कल देखिएगा गाइज हजारों की संख्या में इतने भीड़ होंगे गाइज, इतने भीड़ होंगे, इतना अच्छा लगेगा कि अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ढोल ताशा बाजा सब बजेगा आपको, और अच्छी बड़ा बाबू यहाँ पर झंडा का कार्यक्रम करेंगे और यहाँ पर फहराएंगे, और हजारों की संख्या में भीड़ होगा, और कल आपको यहाँ पर तिरंगा दिखेगा। तो गाइज कैसा लग रहा है आपको ये देखिए, क्या मस्त क्या मनमोहक दृश्य लग रहा है गाइज। देखिए बरुराज थाना जो कि अभी थाना अध्यक्ष है, पूरा चमका दिए है बरुराज थाना को, इतना इतना क्लीन आपको बहुत कम जगह ही मिलेगा आपको, इतना सफाई सुथरा थाना में गाइज, चारों तरफ पूरा ही स्वच्छ वातावरण है और इतना मनमोहक दृश्य लग रहा है गाइज। देखिए देखिए गाइज जो कल 15 अगस्त होने वाला है उन्हीं का कार्यक्रम में सब फटक्का सब लगा रहे हैं, इतना एकदम ज़बरदस्त कार्यक्रम हो रहा है गाइज, ये देखिए मस्त हो रहा है, और पटक्का सब कार्यक्रम कल 15 अगस्त है, बहुत अच्छा लगेगा गाइज। हम आपको दिखाया है बरुराज थाना का दृश्य जो कि आज 14 अगस्त है, संडे है। तो गाइज आज हमारा पूरा दिन मतलब बरुराज थाना में ही बीत चुका है, तो हम ब्लॉग कहीं नहीं गए शूट करने के लिए, कहीं घूमने फिरने नहीं गए हैं, हम बरुराज थाना में ही किए हैं। तो हम सोचे क्यों ना गाइज आप लोग सबको बरुराज थाना के ही अच्छा से दिखाऊं, और कल जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है गाइज, कल 15 अगस्त का त्यौहार होने वाला है, वो भी आपको दृश्य दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा गाइज। तो देखिए गाइज कितना मस्त लग रहा है, और गाइज अभी चलते हैं फिर थोड़ा देर में रूम पे, तो देखते हैं रूम पे फिर क्या होता है। तो गाइज हम बोल रहे थे ना अब घर पर जाते हैं तो क्या होता है, तो देखिए अभी खाना खाने का मेरा मन हो गया है, क्योंकि हम जब ऑफिस गए तो थोड़ा ही खाना खा के गए थे, तो मैं अपने वाइफ को बोला हूँ कि थोड़ा ऑमलेट का मस्त बना दो, फ्राई करके थोड़ा खाना के साथ ऑमलेट खा लेता हूँ। तो मेरे वाइफ पूरा रेडी कर चुके हैं, इसमें धनिया पत्ता मिर्ची टमाटर प्याज सब कुछ रेडी कर चुके हैं, आप बनाएंगे ऑमलेट। मेरे बाबू मेरा बात सब मानता है, लव यू सो मच। देखिए अब ऑमलेट तैयार हो रहा है, मेरे बाबू ऑमलेट तैयार कर रहे हैं गाइस, देखिए अब ओह ओह क्या सेंट आ रहा है, वाओ अब ये ऑमलेट उलट चुका है और पक के अब पेट में जाएगा, पेट में जाके मज़ा आएगा। तो मेरा खाना छोटी कुमारी सब रेडी कर दिए है, ऑमलेट राइस आलू का भुजिया हो गया, आपका दाल हो गया और सैलेड, तो अब भोजन करते हैं। थैंक यू छोटी कुमारी, गाइस आप लोग सभी खा लीजिए।